नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, अब कनकनी बढ़ने लगी है। ऐसे में पिछले दिनों आपने देखा बिहार के कई ज़िलों में ओलावृष्टि हुई, बर्फबारी हुई, हालात शिमला जैसे बन गए, यानी कि माहौल जो है वो शिमला और श्रीनगर जैसे बन गए। लेकिन इससे किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। समझिए, इस साल खाद ना मिलने के कारण ऐसे भी किसान पहले से तबाह थे, लेकिन अब जब कह सके तो किसानों की फसल लगभग लगभग तैयार थी, उससे पहले ओलावृष्टि हो जाना और उनकी फसल पूरी तरीके से ख़राब हो जाना, इससे उन्हें काफ़ी झटका लगा है। ऐसे में एक तस्वीर काफ़ी ज़्यादा जो चर्चा में बनी हुई है, वो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। ये तस्वीर जो है वो पटना का है, पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र का है, जहाँ पर बिक्रम प्रखंड के अंतर्गत कई पंचायत में कल देर रात को ओलावृष्टि हुई है। पटना के भी कुछ हिस्सों में कल देर रात को ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है, उनकी फसल बर्बाद हो गई है। ऐसे में रामकृपाल यादव, जो कि पाटलिपुत्रा के सांसद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं बिहार के, वो पहुँचे हैं उस उजड़े हुए खेत में जहाँ फसल बर्बाद हो गई है। वहाँ पहुँचे हैं, किसानों का दुख दर्द जान रहे हैं, और उन्होंने वहीं से पटना के DM चंद्रशेखर सिंह को वीडियो कॉल लगा दिया है। वीडियो कॉल लगा कर वो दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे फसल बर्बाद हो गई है, आप तो खैर आइए ही, लेकिन जितनी जल्द हो सके किसानों को मुआवजा मिले, किसानों को हर संभव मदद मिले सरकार की ओर से, इसका भी ख्याल किया जाए। किसानों का भी दुख दर्द उन्हें सुनवा रहे हैं वीडियो कॉल से। ज़माना थोड़ा डिजिटली हो गया है, ऐसे में नए तकनीक का इस्तेमाल करके जब वीडियो कॉल लगा दिया रामकृपाल यादव ने पटना DM को, क्या कुछ बातें हुई ज़रा सुनिए। हेलो हेलो, हाँ DM साहब, टीम तो भिजवाइए सुबह में, एक बार इधर एक राउंड लगा लीजिए, बिल्कुल अच्छा रहेगा। ठीक है सर। हाँ, ये देखिए पूरा ग्रामीण को दिखा रहे हैं, बर्फ भी दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए बर्फ अभी भी लगा हुआ है। हाँ, समूचा का समूचा इलाका बर्बाद हो चुका है। क्विक एक्शन लीजिए, इस पर एसेस करवाइए और किसान को राहत मिले। बर्बाद हो गया भी पता ना है, पूरा का पूरा पेड़ में भी पता नहीं है, फसल का तो छोड़ दो, पेड़ में भी पता नहीं है, पेड़ को पता भी तो देख रहे सब किसान लोग हैं, यहाँ के पेड़ में भी पता नहीं है सर, अनाज का होगा, मैंने हम लोग कैसे दिएगा इसके बारे में तो कैसे दिएगा। यहाँ के पेड़ का पत्ता भी सब झड़ गया सर, अनाज तो वो फसल बोया हुआ बर्बाद हो गया, इतना क्षति है जब मैंने यहाँ के आदमी के जीना मुश्किल है, जानवर क्या खाएगा, आदमी क्या खाएगा। मैंने मुखिया जी हैं ये जी, प्रणाम सर। यहाँ सर सब फसल बर्बाद हो गया है सर, हम लोग का गेहूँ, जई, मक्का, मसूर। मुखिया जी हम बरा के मुखिया जी हुए सर, आपसे मिले थे सर CM साहब को इसके माध्यम। तो आपने विस्तार से इस वीडियो को देखा है कैसे ओलावृष्टि हो जाने के कारण किसानों को कितना नुकसान हुआ है। बिहार के कई ज़िलों में ओलावृष्टि हुई है, चाहे हम नवादा ज़िले की बात करें, औरंगाबाद ज़िले की बात करें, या आरा के भी कुछ शहरों में, आरा ज़िले के भी कुछ शहरों में ओलावृष्टि हुई है। तो ऐसे में एक तरफ जहाँ कल देर रात को कैसे कहते तो सड़क मार्ग भी काफ़ी जाम हो गया, लोगों को आने जाने में कठिनाई हुई, वहीं किसानों पर सबसे ज़्यादा इसकी मार पड़ी है। हो सकता है आपके लिए कई जगहों पर ये शिमला जैसी जब बर्फबारी हो रही हो, कुछ तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा हो, लेकिन किसानों को कितनी मार पड़ी है। देखिए, इस साल खाद को लेकर भी समस्याएं खड़ी होती रही हैं, किसानों के दुख दर्द को भी समझिए, क्योंकि आप अपने घर पे जो आराम से मोबाइल पर स्क्रीन पर देख रहे हैं ये खबर, और उसके बाद आप जो लजीज खाना खाएंगे वो हमारे अन्नदाताओं ने, यानी कि किसानों ने ही अपने खेत में उपजाया है, और उनके ही बदौलत आज हम और हमारा परिवार जो है वो फल फूल रहा है, खा पी कर हम लोग भी स्वस्थ हैं। इस कोरोना ऐसे दौर में भी जब खान पान का ख्याल रखना होता है, तो ऐसे में वो किसान अक्सर धूप हो या ठंड पड़ रही हो खेतों में नज़र आते हैं, उन पर काफ़ी ज़्यादा मार पड़ी है इस बर्फबारी की। और रामकृपाल यादव काफ़ी कह सके तो शुरू से ही ज़मीन उतर रहे हैं, आम लोगों के बीच में रहे हैं, वो किसानों का दुख दर्द DM को सुनवा रहे हैं डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करके। काफ़ी कह सके तो खुद भी मॉडर्नाइज हो गए हैं, हालांकि पुराने ज़माने के वो नेता हैं, लेकिन क्या कुछ किसानों ने कहा है, उनके दुख दर्द को आपने सुना होगा। देखना ये होगा कि कब तक किसानों के मुआवजे के लिए सरकार ऐलान करती है, कुछ विशेष सहायता की बात होती है या नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।